हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन पार्ट 9। सॉल्यूशन पार्ट 9 में हम क्या आज पढ़ेंगे? वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो राउल्ट का नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है जाननी होंगी। क्या चीज़ें जाननी होंगी? राउल्ट का नियम मैंने पीछे भी आपको बताया था, द्रवीय विलयन किसे कहते हैं। द्रवीय विलयन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपका लिखा गया है द्रवीय विलयन का मतलब क्या होता है। द्रवीय विलयन का मतलब जिसमें विलायक आपका क्या हो, द्रव हो। विलायक जो आपका हो क्या हो, द्रव हो। और विलेय पदार्थ आपका कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं द्रवीय विलयन। तो आपका विलायक अगर द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव, गैस हो, तो इस आधार पर इसको इसमें आप विलेय करें, इसको विलेय करें, इसको इसमें विलेय करें, तो इस आधार पर कितने आपके विलयन बन रहे हैं? कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के विलयन में क्या आपका है? गैस और द्रव है। और क्या है? द्रव और द्रव का विलयन बन रहा है, और ठोस और द्रव का विलयन बन रहा है। अब गैस और द्रव का विलयन जो होता है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सोडा वाटर बताया था, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था, तो इस पर आपको जो रूल लागू होगा वो क्या होगा? हेनरी का नियम, इस पर हमने पढ़ा है। अब द्रव द्रव का जो विलयन है, जैसे एग्जांपल हम लिए एल्कोहल प्लस वाटर, इसमें आपका विलेय भी और वाटर भी। विलेय आपका क्या है? द्रव है। और वाटर भी आपका क्या है? द्रव है, यानी कि विलायक भी आपका द्रव है। अब इसी द्रव द्रव के विलयन पर लागू होता है आपका राउल्ट्स लॉ लागू होता है। इस पर लागू होगा द्रव द्रव के विलयन पर, यहाँ राउल्ट्स का नियम लागू होगा। फिर अगला जो होगा, यहाँ ठोस और द्रव का जो विलयन होता है, इसके लिए जैसे ठोस NaCl प्लस H2O ये हमने ले लिया, तो यहाँ जल आपका विलायक हो गया, NaCl आपका क्या हो गया? विलेय हो गया। और इस पर कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ हम अणुसंघ्य गुणधर्म पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये है ठोस और द्रव के विलयन पर लागू होगा। तो यहाँ राउल्ट का जो नियम लागू होगा द्रव द्रव के विलयन पर लागू होता है। और जो दोनों द्रव होंगे यहाँ पर क्या होने चाहिए? वाष्पशील द्रव होने चाहिए। अब पहले तो हम देख लेते हैं वाष्पशील द्रव कौन से हैं। दो चीजें इसमें देखिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, इसमें जो विलेय पदार्थ होगा वो भी वाष्पशील होगा, और जो आपका विलायक होगा वह भी क्या होगा? वाष्पशील होगा। तो देखते हैं वाष्पशील पदार्थ क्या है, पहले देख लेते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस, दो चीजें हम देखेंगे। वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? भाई जिनको हम हीट करें, गर्म करें, पात्र में लेकर उनकी वेपर्स बनती हो, उनकी वाष्प बनती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वोलाटाइल सब्सटेंस में आपका क्या होगा, जैसे ले सकते हैं हम यहाँ पर मेथिल एल्कोहल ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, वाटर आपका खुद वाष्पशील है ये, बेंजीन ले सकते हैं, C6H6 ले सकते हैं, और टॉलुइन ले सकते हैं C6H5CH3, ठीक, जिसका या इस तरीके से आप बेंजीन रिंग पर क्या लगा सकते हैं, ये मेथिल ग्रुप लगा सकते हैं। तो वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको अगर गर्म किया जाए, या वे द्रव जिनको गर्म किया जाए उनकी वाष्प बनती हो, उसी को हम कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे क्या हुआ आपका? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, वाटर, बेंजीन हुआ, टॉलुइन हुआ, अगर इनको आप गर्म करेंगे पात में लेकर, तो इनकी क्या बनती है? वेपर्स बनती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, एक और आपका होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जिनका वाष्प नहीं बनता है, यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका वाष्प नहीं बनता है। जैसे ज्यादातर आपका दिया होगा आपका एन ए
सीएल आपको मिलेगा, एनएसीएल हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा और सुक्रोज हो जाएगा। ठीक, ये आपके जो है क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, इनके वाष्प नहीं बनते हैं, इनको आप हीट करेंगे तो इनकी वाष्प वेपर्स नहीं बनेगी। तो ये वाले जिनकी वाष्प नहीं बनेंगी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत ये जो आपके वाष्पशील द्रव हैं जैसे एल्कोहल का और वाटर का जो है बना लिया जाए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एल्कोहल और वाटर का जो विलयन बनेगा, जिसमें से वाटर आपका क्या होगा, यहाँ विलायक होगा और ये क्या होगा आपका विलयन होगा। तो इस नियम पर द्रव द्रव के विलयन पर लागू होगा, लेकिन द्रव द्रव जो दोनों विलयन हो क्या हो, वाष्पशील होने चाहिए। तो इस पर जो नियम लागू होता है वो क्या है, उस पर जो नियम लागू होगा वो राउल्ट का नियम लागू होता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर है इस वाले में वाष्पशील, यानी कि एक चीज और है हम समझ लेते हैं वाष्प दाब। ठीक है, आप इसको नोट्स बना लेंगे, इसको आप बढ़िया से इसको लिख लेंगे, ये आप इसको बना लेंगे और ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब एक चीज और हम समझ लेते हैं वाष्प दाब किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ वाष्प दाब से संबंधित है, यहाँ वाष्प दाब। भाई वाष्प दाब ऐसे हम पदार्थ ले या ऐसे हम द्रव ले जिनकी वाष्प बनती हो, तो उनके वाष्प के द्वारा जो है उस पदार्थ के वाष्प के द्वारा कुछ प्रेशर डाले जाएंगे, जो वह प्रेशर डालेगा उसी को हम कहेंगे वाष्प दाब कहते हैं। जैसे एक वाष्प दाब देखिए, इसका कैलकुलेशन हम तभी कर सकते हैं प्रेशर का जब आपका क्या हो, पात्र बंद हो। मान लीजिए कि इसमें क्या है, कोई ये द्रव है वाटर है, मान लीजिए इसमें क्या है आपका वाटर है। ठीक, वाटर है, जब इसको आप करेंगे हीट, जब इसको आप हीट करेंगे तो इसकी क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी। और ये वेपर्स जो इसमें से बनेगी वो तो निकल नहीं पाएगी, इसमें से निकल नहीं पाएगी, तो ये खुद वाष्प है, एक प्योर लिक्विड इसमें रखा गया है, प्योर लिक्विड इसमें है आपका। तो प्योर लिक्विड के द्वारा एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा, एक प्रेशर होगा जिसको हम मान लेते हैं पी नॉट ए, यानी कि ये क्या होगा पी नॉट ए क्या होगा, जो आपका मान लीजिए लिक्विड आपका क्या है ए है, तो पी ए के पी ए क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में वाष्पशील पदार्थ क्या क्या है, वाष्प दाब है ये शुद्ध अवस्था में, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि ए का क्या है, यानी कि आप जल भी कह सकते हैं, चाहे यहाँ वाटर लिख लिया ए हमने मान लिया या वाटर लिख लिया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए, इसका क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर का, वेपर वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब हो जाएगा इस ए का, या कह सकते हैं इस जल का, यहाँ आप जल भी लिख सकते हैं यूज अगर करना चाहें, क्योंकि जल का है तो ठीक, इसका वही वाष्प दाब होगा, या ए है अगर कोई लिक्विड हमने मान लिया है तो आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाष्प दाब। अब ये जो वाष्प होगा, ये वाष्प इस द्रव की सतह पर क्या डालेगा, दाब डालेगा, जिसे क्या कहेंगे वाष्प दाब, यानी कि किसी द्रव की सतह पर, किसी द्रव की सतह पर द्रव के वाष्प के अणुओं के द्वारा डाले गए दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं वाष्प दाब, शॉर्टकट में हमें वीपी से इसको हम दिखाएंगे, वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर क्या हुआ, समझ में आया, जब किसी द्रव ए को लिया जाए और उसको हीट किया जाए तो उसकी वाष्प बनेगी, और वो वाष्प क्या होगी, बाहर तो निकले नहीं क्योंकि ये बंद हो गया, तो इसकी जो वाष्प बनेगी, कुछ की वाष्प बनेगी यहाँ, और जो वाष्प होगा फिर यहाँ ठंडा होगा, यानी कि एक बार पहले वाष्प बनेगा, फिर वाष्प ठंडा होगा, फिर इसमें आएगा, तो वाष्प के अणुओं के द्वारा जो दाब डाला जाएगा वो क्या होगा, उस द्रव का वाष्प दाब कहेगा। और इनके बीच में क्या होगा, द्रव और गैस के बीच में जो वाष्प बनेगी, इनके बीच में साम्यावस्था भी स्थापित होती है, यानी कि जो आपका लिक्विड होगा यहाँ पर द्रव होगा
और जो यहाँ वेपर्स इसकी बनेगी, वेपर्स बनेगी, इनके बीच में क्या होगा, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो आपको समझ में आएगा वाष्प दाब क्या होता है, किसी द्रव की सतह पे द्रव के वाष्प के अणुओं के द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ वेपर प्रेशर से ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके दोनों द्रव के विलयन बनाए जाएंगे वो आपके क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए वोलेटाइल यहाँ पर सॉल्यूट है या सब्सटेंस आप कहते हैं, जो विलेय आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जो विलायक आपका होगा सॉल्वेंट, यानी कि जो इसमें वाटर होगा सॉल्वेंट को हम जो है ए से दिखा लेते हैं, और जो इसमें सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट के लिए हम किससे इसको दिखा लेते हैं, बी से दिखा लेते हैं। तो सॉल्वेंट को ए से दिखा लेंगे, सॉल्यूट को किससे दिखा लेंगे हम, बी, क्योंकि सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होगा और विलेय आपका क्या होगा, कम मात्रा में होगा। तो सॉल्वेंट को ए से प्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को क्या करेंगे, बी से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जब किसी वाष्पशील द्रव यानी कि विलेय पदार्थ का विलयन वाष्पशील द्रव में बनाया जाता है, तो दोनों ही यहाँ आपका विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी क्या है, वाष्पशील है। दोनों का जब विलयन बनाया जाता है तो दोनों के अणु अगर इसमें एक पात्र बंद पात्र में क्या है भैया, यहाँ ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स है इसमें, तो दोनों के द्वारा क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। मान लिया कि ए के द्वारा प्रेशर जो है पी ए होगा, और इसमें जो आपके क्या है बी है, बी के द्वारा जो प्रेशर आपका होगा क्या होगा, पी बी होगा, यानी कि इनके आंशिक प्रेशर होंगे। इनके ये क्या, पी ए पी बी क्या है, इनके आंशिक प्रेशर है। तो जो आंशिक प्रेशर इनका होगा और जो इनका कुल दाब होगा, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि पी टी होगा। ठीक, तो इन द्रव के जो विलयन है, इनका जो द्रव का जो विलयन है, इनका जो कुल दाब होगा पी टी होगा, उनके घटकों के आंशिक दाब के योग के क्या होगा, बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, डाल्टन का नियम, यानी कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहते हैं। हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, यानी कि अगर किसी पात्र में दो या दो से अधिक गैसें हैं जो आपस में क्रिया नहीं करती है, तो उन गैसों के द्वारा डाला गया जो आंशिक दाब होगा, कुल आंशिक दाब का या योग होगा, कुल आंशिक दाब का जो योग होगा कुल दाब के क्या होगा, बराबर होता है। तो देखिए आंशिक दाब, तो यहाँ देखिए डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब यानी कि पी टी उन घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यानी कि जो ए और बी इसमें लिए गए, तो कुल दाब क्या होगा, पी का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब क्या होगा, ये योग के बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं, पहला समीकरण मान लेते हैं। अब इसी पर वो है राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट ने अपना नियम दिया, इन्होंने कहा कि एक निश्चित ताप पर कहिए, स्थिर ताप पर कहिए, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है, यह इन्होंने इसको रूल बताया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है फिगर, आप इस फिगर को समझ लीजिए। ये देखिए आपका प्योर लिक्विड ए है, और इसमें प्योर लिक्विड है, और इसके द्वारा जो इसकी वाष्प बनेगी शुद्ध अवस्था में, इसका वाष्प दाब क्या है, पी नॉट ए है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसका क्या है, पी नॉट ए है। और यहाँ लिखा प्योर लिक्विड ए, और यहाँ लिखा गया है इसमें प्योर लिक्विड ये है, और ये लिखा गया है पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और इसी तरीके से यहाँ पर बी लिया गया है, आपका बी आपका एक लिक्विड लिया गया है, देखिए आपका ए आपका सॉल्वेंट होगा, हमने अभी वहां बताया आपको, और बी आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा।
अब यहाँ पर इसकी जो वाष्प है शुद्ध अवस्था में, पी नॉट बी क्या है, इस द्रव का क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यानी कि प्योर लिक्विड ये बी इसमें है, इसके अंदर है, और ये क्या है पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये जो है जो आपका शुद्ध द्रव बी है उसका वाष्प दाब है, यहाँ क्या है शुद्ध द्रव जो ए है उसका वाष्प दाब है, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, लेकिन जब दोनों को आपस में आप क्या करते हैं, इसको दोनों को आप मिला देते हैं तो दोनों के मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं, इनमें के इनमें दोनों के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो अब इसका क्या होगा वाष्प दाब, इनके अब दोनों के हैं तो इनके आंशिक वाष्प दाब होंगे, इनके वांशिक वाष्प दाब यानी कि जो इसमें ए वाला है उसका, जो ए वाला है उसका आंशिक दाब क्या है पी ए है, और जो ए है उसी का यहाँ पर हमने ले लिया क्या, उसके जो मोल अंश घुले हुए हैं इसमें ए के, उसका मोल अंश हमने ले लिया क्या है जीटा ए। इसी तरीके से बी का जो आपका क्या है, बी जो इसमें है जो उसका वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब है वो क्या है पी बी पी बी, और इसी के जो बी वाले हैं उसके मूल अंश उसमें कितने घुले हुए हैं जीटा बी घुले हुए हैं। तब देखिए अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे जो इसमें इसके मूल अंश घुलेंगे एक दूसरे के क्या होंगे डायरेक्टली क्या होंगे ये प्रोपोर्शनल में होंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में क्या स्थिर ताप पर निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल अंश के समान भांति होता है, इसी को हम कहते हैं राउल्स ला कहते हैं। तो राउल्स ला के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ परिभाषा के अनुसार जो पी ए जो पार्शियल प्रेशर होगा यानी कि शुद्ध द्रव ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा जीटा ए होगा, ठीक ये हो जाएगा। अच्छा अब इसी को अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा दें तो पी ए इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए और जीटा ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया दूसरा समीकरण हो गया। तो ये आपका पी ए इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए और जीटा ये हो गया। दूसरा देखते हैं भाई दूसरे के लिए, इसके लिए देखते हैं क्या होगा पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल जीटा बी हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा दिया पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट बी जीटा क्या हो जाएगा बी, ये आपका क्या हो गया दूसरा ये तीसरा जो है समीकरण हो गया, ठीक है ये हुआ। अब देखिए यहाँ डाल्टन के आंशिक दाब के लिए कुल दाब क्या होता है, यहाँ P टोटल जो कुल दाब होगा क्या होगा पी ए पी बी, देखिए आपके क्या पी ए है ये और ये क्या है पी बी है, चलिए इसमें आप रख देते हैं इसकी वैल्यू इसमें, तो ये P टोटल इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक ये चलिए इन दोनों को इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्या जाएगा P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक ये हो गया। अच्छा ये हो गया आपका कौन सा समीकरण हो गया टोटल, ये आपका हो गया चौथा समीकरण हो गया, ठीक है इसमें आपने इसको रख दिया। तो ये अगर कुल आंशिक दाब आपको निकालना है तो ये आपका क्या होगा एक समीकरण ये भी हो जाएगा, और यहाँ से तो आपका ये समीकरण है ये है, यहाँ से ये भी एक समीकरण है, ये भी आपका ये क्या है समीकरण आंशिक दाब के लिए, जब आंशिक दाब की गणना करोगे ए के लिए और बी के लिए तो ये फार्मूला, जब टोटल दाब की गणना करनी होगी तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। अच्छा ये भी हम जानते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू क्या होता है वन होता है ना, तो अगर यहाँ ए की वैल्यू हम रखना चाहें तो जीटा ए इक्वल टू क्या होगा वन माइनस क्या होगा जीटा बी होगा, ठीक है ये। चलिए अब इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करते हैं इस वाले वैल्यू को हम इसमें क्या जहाँ पर आपका जीटा
ए की वैल्यू है इस पर क्या करते हैं रखते हैं, तब पी टोटल आपको क्या मिल जाएगा, तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और जीटा ए की वैल्यू क्या है, वन माइनस जीटा बी है, और प्लस यहाँ आपका क्या है, पी नॉट बी जीटा क्या है, ये बी हो गया। अब देखिए इसको अंदर ले जाइए, तो पी टोटल स्क्वल टू पी नॉट ए, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा बी प्लस, अब देखिए पी नॉट बी जीटा बी, ये प्लस वाला इधर कर लीजिए, इस माइनस वाले को उधर कर लीजिए, तो ये हो गया पी टोटल स्क्वल टू, इसको इधर लाइए, पी नॉट ए माइनस, इसको इधर लाइए पी नॉट बी, अच्छा इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये जीटा बी, और ये हो गया माइनस पी नॉट ए, और ये आपका ए होगा यहाँ जीटा ए, और ये जीटा ए। अब देखिए यहाँ से बी कॉमन है, यहाँ से बी आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ से देखिए आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, क्या कॉमन ले लेंगे, जीटा बी आप कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डॉट ए प्लस पी नॉट ए प्लस जीटा बी कॉमन लीजिए, जीटा बी, और यहाँ आपका क्या बचा है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो ये आपका जो है फार्मूला हुआ। तो इस वाले फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी नहीं है, बस आप इतना ही आप यहाँ से याद कर लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये देखिए यहाँ से वैल्यू आपको रखकर एक फार्मूला आपको यहाँ पर निकाल कर दिया गया है, और ये फार्मूला आप मान लीजिए कि ये क्या है, पांचवा, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इतना फार्मूला तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे, तो आपको समझ में आ गया। तो क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, जब आपका द्रव द्रव का विलयन होता है, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा, पी ए नॉट प्रोपोर्शनल जीटा ए, और पी ए इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है यहाँ पर है, ये आपका क्या है, पी नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, क्या है, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और यहां पर ये क्या है आपका, पी नॉट बी क्या है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, यानी कि ये द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, आप पी टोटल ये हो गया आपका, फिर आप यहाँ से पी टोटल आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो मिल जाएगा, आप जानते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू वन होता है, यानी कि विलेय और विलायक के मोल अंश का योग क्या होता है, सदैव योग होता है, पीछे पड़ चुके हैं, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, तो इसको आप रख देंगे तो आपको फार्मूला ये मिल जाएगा, और आप इसको अंदर ले जाएंगे तो आपका ये यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर ये आप यहाँ से क्या करें, इसको आप इधर कर लेंगे, इसको आप इधर कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर, प्लस वाले क्या तो प्लस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से जीटा भी कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या जाएगा, टोटल आपका ये फार्मूला निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए जीटा ए क्या होता है आपका, जीटा ए इसको भी नोट करिए, जीटा ए इक्वल टू क्या होगा आपका, जीटा ए बराबर क्या होता है, यानी कि यन ए
और यन ए प्लस यन बी होगा, ठीक है भाई, वहां मोल अंश जो मैंने पढ़ाया था। इसी तरीके से जीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ यन आपका यन, सॉरी इसको आप चाहे कैपिटल है, चलिए अच्छा स्मॉल ही लिखिए यन बी, और यहाँ आप लिख सकते हैं यन बी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी, ठीक है। तो ये मोल अंश निकालने के लिए दोनों फार्मूला है, ठीक समझ में आ रहा होगा। तो ये राउल्ट का नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद करेंगे, बढ़िया से इसको तैयार कर लेंगे। तो एक फार्मूला हम और देख लेते हैं, एक फार्मूला और देखते हैं हम, क्या देखते हैं, वाष्प प्रवस्था में संगठन, वाष्प प्रवस्था में संगठन, वाष्प प्रवस्था में संगठन क्या होता है, वाष्प प्रवस्था में संगठन, वाष्प प्रवस्था का संगठन घटक के आंशिक दाब के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। अब इसके लिए आंशिक दाब, आंशिक दाब जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो आपका होगा वो आंशिक दाब की जब आपको गणना करनी होगी तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहां आपका होता है कुल दाब गुणे मोल अंश, ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा, इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम दोनों घटकों के लिए निकालना चाहें आंशिक दाब तो क्या होगा, ए और बी घटक हमने माना था, अगर ए बी यहाँ ले आंशिक दाब यानी कि प्रेशर, आंशिक दाब पी ए ले, तो यहाँ पी टोटल आपका क्या होगा, पी टोटल इंटू आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आपका ए होगा। इसी तरीके से क्या हो, इसी प्रकार क्या होगा, अगर पी वी का आंशिक प्रेशर आपको निकालना है तो पी आपका टोटल होगा और इनटू आपका क्या होगा, जीटा ये बी होगा। तो यह भी फार्मूला आपके लिए क्या है, दोनों इम्पोर्टेंट है। वाष्प प्रवस्था में जो संगठन आपको निकालना है वो आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणे मोल अंश होता है। तो घटक अगर ए के लिए है तो पी टोटल गुणे ये आपका फार्मूला हो जाएगा, यानी कि पी टोटल इंटू आपका क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू जीटा ए, और पी बी का आंशिक दाब निकालना है पी टोटल इंटू जीटा बी, ये भी फार्मूला क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। तो आज बच्चों यहीं तक है, इस अब जो हमने हेनरी का नियम पढ़ाया है और ये जो राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयन के लिए पढ़ाया है, इस पर जो है न्यूमेरिकल कुछ लगेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।